सब गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूनिट्स वंस अगेन। आज हम जा रहे हैं यलकोट यलकोट जय मल्ला जेजुरी, पुना से जेजुरी जा रहे हैं। पुना से जेजुरी जाने के लिए एक ही रोड है, वो सिर्फ 50 किलोमीटर्स पे जेजुरी आ जाएगा। वहाँ पे दर्शन के लिए आप जा सकते हो और 1.5 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। सो कोई टेंशन नहीं। अभी मैं मेरे पूरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे हमारे 3 कार जा रहे हैं और काफ़ी धूप है बाहर। मैं आपको बताता हूँ 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है जय मल्लार जी की। थोड़ा पानी वगैरह ले ले रहे क्योंकि बहुत धूप है और ये एक ही रोड है, पुणे सासवड़ जेजुरी। अभी दीवे घाट लगने वाले हमारे को, तो वहाँ चलते हैं। सर से आते हो जेजुरी जाने के लिए, तो यहाँ पे दीवे घाट पर एक मस्तानी तालाब भी लगता है, जहाँ पे जो मस्तानी आप बाजीराव मस्तानी देखे थे दीपिका पादुकोण वाली, वो यहाँ पे आती थी नहाने। दीपिका पादुकोण नहीं, रियल मस्तानी 400 साल पहले, भाभी हंस रही है। तो यहाँ से शिवाजी नगर का एक केव है, केव नहीं बोल सकते उसको, ऐसा टनल है जो शिवाजी नगर में निकलता है। काफ़ी सही, काफ़ी अच्छा वाइब लग रहा है। सब फैमिली के साथ रुके हम अभी आके, ये 3 कार हमारे रुके हुए हैं। अभी क्या कितना टाइम लगेगा और अभी चलने, तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं हम। चलते चलते और ये भी आपको एक अच्छा स्पॉट मिल सकता है यहाँ पे देखने, विट्ठू माउली का स्टैचू बना है बहुत बड़ा। सही है, विलेज आते हो तो एक एंट्री फी है कुछ 50 रुपीज़ पर कार नगर पालिका की, और अगर पार्किंग लगाते हो तो उसकी अलग से 50 रुपीज़ है। टोटल 100 रुपीज़ देना पड़ता है आपको कार लगाने तक। यहाँ से जो पायरिया स्टेप से वो शुरू हो जाएगी। काफ़ी बिजी रोड है, काफ़ी शोर शराबा है, काफ़ी गर्दी होती है और सिर्फ 200 स्टेप्स है। तो मैंने ये मेरे वॉच पे लगा दिया है, आपको बताता हूँ कितने स्टेप्स है। और पापा तो ये नया जो मंदिर बना है इसको भी 300 साल हो गए, 1712 में ये मंदिर बनाए। ओके, ड्राइवर के दिन इनका वार रहता है। ओके, तो हम संडे के दिन आए और अभी पुणे के महाराष्ट्र लोगों के ना काफी लोगों का कुलदेवत है, कुलदेवत है राइट। तो यहाँ बोले तो धनगर माणी जैसे बहुत आगरी समाज का बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र का कुलदेवत बोला जाता है, तो उसके लिए ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बहुत लोग आके मन्नत विन्नत करते, पूजा पाठ करते यहाँ पर। पापा ने वाड़िया साहब ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी स्टार्ट करते, थोड़ी सी चाय पी ली, एनर्जी ले ली। यलकोट यलकोट जय मल्ला, लेट्स गो। काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पे, मीन्स एंट्री पे ही। यहाँ से आप हल्दी वगैरह सब लेकर ऊपर जा सकते हो और ये मेन डोर है, मेन डोर से हम एंट्री करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे सब मिलता है आपको, मार्केट दिखा जाए। मंजीरे बोले तो वो ना दोनों हाथ से बजाते, ताल बोलते राइट राइट, वो बजाए हुए मैं घर पे बजाता हूँ। पूरा यहाँ पे हल्दी ही हल्दी है, चारों तरफ हल्दी है और ये एंट्री है मार्तंड देवस्थान। यहाँ से हमने भंडारा ले लिया, हमारे शूज रख दिए। मैरिड कपल्स भी आते हैं, मीन्स शादी के बाद दूल्हा जो होता है उस दुल्हन को गोद में लेकर 5 स्टेप्स ये जो दिखा आपको वो लेके उसको चढ़ना होता है, एक प्रथा होती है। तो अंदर दिखाने देंगे कि नहीं मुझे शूटिंग करने के लिए, बट ये उनकी मूर्ति अंदर, वो काफ़ी अच्छा वाइब है। ये एक और डोर आया, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का फोक म्यूजिक चल रहा है, आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में। मंदिर में बहुत बड़ा इधर मधुमाशी का पोड़ा लगा था। अच्छा, आगे बोल बहुत। हाँ, और कुछ भी करके वो जा रहे नीचे। ओके, पब्लिक को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। औरंगजेब ने 125 चांदी की मुद्रा उसका मन्नत मांगी। ओके, खंडेरा है तू मन्नत मांगी भैया ये सब शांत कर रहा, बोलते हुए 125 चांदी की मुद्रा देखो, बोले कितना उनका पावर है यहाँ पे, तो वो सब सॉल्व हो गया, सब सॉल्व हो गया एकदम मस्त। क्या बात है, वेलकम वेलकम जय मल्ला। तो अभी आगे का सफर पूरा करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे चढ़ना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पे कोई भी एज के आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारे मम्मी लोग आए, वो मतलब 50-55+ है, आराम से चढ़ पा रहे। कैसा लग रहा है? ओके ओके, पसीने छूट रहे लेकिन चलते लेट्स गो, कुछ तो भी छूट रहा है। चीज़ देखो आप कितनी स्ट्रेट है, मतलब बहुत स्टीफ है, आपको समझ नहीं आ रहा, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, बट काफ़ी स्टीफ है। चीज़ देख सकते हो कितना स्टीफ है, इट्स नॉट ईजी है ना, बहुत ज़्यादा स्टीफ है। और वो सनसेट क्या लग रहा है यार, वाह अभी और थोड़ा सा मज़ा आएगा, अभी और नीचे जाएगा ना सन, काफ़ी अच्छा लगने वाला है।
देख सकते हो ये पीछे का सीन पूरा में से जेजुरी गांव है और कितना स्टीप है आपको अभी समझा होगा। आप हाफ वे आते हो तो ये हेगड़ी प्रधान का एक छोटा सा टेंपल लगता है, अंदर से देख सकते हो आप जैसे कि काफी अच्छा है, काफी सुंदर है। तो जब से हमने स्टार्ट किया हमारा ये सफर ऊपर चढ़ने का पायरी पे से स्टेप्स पे से पूरी हल्दी हल्दी है। yes. एक जगह पे ऐसा प्लेन है इतना मीन्स यहाँ पे हल्दी उड़ाते हैं क्यों? और ये अभी आप कुछ बोल नहीं, पापा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस पे और भी क्या था, ये जो मंदिर में है भगवान के तीन चीजें रखी हुई है। ओके तो उसमें जो है एक तो तलवार है भगवान की, बहुत ओरिजिनल जो ओरिजिनल वेटेड तलवार है, वाओ डमरू है और okay. परर वर्ग तीन तीन चीज रखी हुई है। तो यहाँ पर वो तलवार जो उठाता है जितने ज्यादा है जो पकड़ के रखते ना उसको बख्शी मिलता है, वो बहुत वेटेड है, वेटेड है, बहुत वेटेड है। एक हाथ से ऐसा उठा के जो जितना देर पकड़ के रखेंगे वो रिकॉर्ड है, उसको फिर वो बख्शीश मिलता है। वाओ यार वाओ, अपन ट्राई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते, लेट्स सी, विल ट्राई, अगर चांस मिलता है तो ट्राई करते हैं। नहीं न्यूली वेड दूल्हे दुल्हन आते यहाँ पे कितने स्टेप्स है पापा? एक्चुअली पुरातन हिसाब में ये जो पत्थर है ना यहाँ के काले काले पत्थर, ओके ओके, वो 9 लाख है। सिंगल ब्लॉक दिख रहा है आपको? 1, 2, 3, 4 उसकी काउंटिंग है 9 लाख, 9 लाख हो पा रहे हैं 300, ओके 300 स्टेप, 9 लाख स्टोन, इसलिए बोलते 9 लाख पा रही। ओके 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 ओके, आई थॉट 9 लाख स्टेप्स है, 300, ओके ओके, चढ़ने के लिए 300, थैंक गॉड 300 ही है, वो भी भारी जा रहे हैं हमको, पूरा कार्डियो हो रहा है हमारा। धीरे धीरे सब हमारे जो लेडीज है थोड़ा गिव अप करने गिव अप कर रहे थक रहे। लॉक में ही हो अपने दोस्त लोग, टेंशन मत ले अपने दोस्त। देव मल्लारी तुझ कुले है, हम एंटर कर चुके हैं है ना योगेश? काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वाह। यस गॉड, आई गॉड, लेट्स गो, वो अमेजिंग वाइब यार, अमेजिंग वाइब। क्या जो स्टोन्स है कितने कमाल के लग रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, जरूर आओ। काफी पुराना टेम्पल है ये, और ये माल का ट्रांजिशन हो जाए एकदम डार्क में से, और वाव अमेजिंग अमेजिंग थंडरबोल्ट, अमेजिंग। हमारे ड्रेस, हमारे बाल, हमारे चेहरे पूरे येलो होने वाले, येलो होने वाले। अब अभी हम अंदर जा रहे हैं, सबके लिए वेट कर रहे हैं, और देखो पूरा येलो। ये मेन मेन मंदिर है, वहाँ पीछे जो दिख रहा है ना वहाँ से एंट्री है, लेट्स गो। वाव, वीआईपी दर्शन भी है 200 रुपीज देकर। देवी जी का मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हो काफी भीड़ हो रही है, अभी हम दर्शन के लिए चलते हैं, लेट्स गो। सो हम लाइन से अंदर आ चुके हैं, पूरी फैमिली, मतलब लाइन चल रही है, पूरा खाली है लाइन, मीन्स शाम के टाइम पे आओ आपको खाली मिलेगा टेम्पल, इतना खाली नहीं मिलेगा, मीन्स थोड़ी सी गर्दी है, लेकिन दोपहर को 12-1 बजे आऊंगे संडे को तो काफी भीड़ होगी, अभी खाली है पूरा। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो यहाँ ऐसे दूल्हा दुल्हन आए, वाओ सो नाइस। तुम कहीं पे भी जाओ, हैदराबाद जाओ, मुंबई जाओ, या कहीं पे, या महाबलेश्वर जाओ, चेरी को कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाता है, ही इज सो क्यूट, एंड दिस वाइब इज सीरियसली ऑसम। सनसेट होने वाला है जस्ट, धूप बिल्कुल नहीं है, और ये जो जोत जल रही है, और ये पूरा हल्दी 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 भंडारा उड़ा हुआ है, एंड वी आर गोइंग इन, लेट्स गो। जी के 5 पिंड मीन्स एक साथ, और यहाँ से दूसरी जगह जाना होता है, लेट्स गो देयर। वाओ वाइब इज ऑसम मैन, ऑसम। यहाँ पे पूजा चल रही है, दिए लगा हुआ है, शाम होने आई है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, और हम चलते हैं। थोड़ा आगे आए तुलजा भवानी माता से अंदर आगे आके है, का है दादा? का है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी हे स्वयंभू है, मी आई स्वयंभू हे, बघा दर्शन करू शकता तुम्ही। तुमचं नाव दादा? मनीष भोसले। खूप चांगलं गाईड केलं आम्हाला, चला भेटो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला शेअर करा, थँक्यू, जय मल्ला, जय मल्ला। देख सकते हो काफी सुंदर लग रहा है, सनसेट हो चुका है, वहां पे सनसेट हो रहा है, शाम का रंग क्यों लाल हो रहा है,
और काफी अच्छा लग रहा है। वाह यार, यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए तो करना जरूरी है और ये काफी अमेजिंग चीज है। चेरी करके बताएगी आपको। सो चेरी इज डूइंग दिस, उसको आता है वो। जस्ट अ मिनट साइलेंस। हाँ, डू दैट। जय हो, जय मल्ला। हो चुका है, हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से। ये मंदिर का टाइमिंग है, रात के 9 बजे तक खुला रहता है। अभी हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, आप देख सकते हो। जैसे कि लेट्स गो। यस राइट, शाम के टाइम पे और काफी अच्छा लग रहा है और पूरा लिट अप एरिया है। एंड गाइस, आप यहाँ आते हो तो एक चीज का ध्यान रखो, अंदर मोबाइल रिकॉर्डिंग फोटोज अलाउड नहीं है टेम्पल के अंदर। दैट्स व्हाई मैं भी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर आप रिकॉर्डिंग या फोन यूज करते हो तो फोन ले लेते डायरेक्ट और डोनेशन बॉक्स में डाल देते। दैट्स व्हाई मैंने सेफली पूरा कंटेंट बचा है आपके लिए। वो हल्दी ये जो भंडारा क्यों उड़ाते हैं वो डैड एक्सप्लेन करेंगे। ये जो अपना खंडवा राय को ना हल्दी और ये खोबरा है बहुत पसंद है। ओके, तो एज ए प्रसाद बोल के ना उसका उद्योग करते हैं। ओके, तो भगवान का भंडार प्रसाद बोल के उसको ट्रीट किया गया। अच्छा, इसलिए वो उड़ाए तो उन तक पहुंचता है, उन तक पहुंचता है और उनको काफी अच्छा लगता है। तो अखे इंडिया को पता है हल्दी के कितने बेनिफिट है। अभी ये जो मुझे पिंपल आई थी वो भी ठीक हो जाएगी क्योंकि हल्दी लगा लिया। अभी काफी अच्छा लगता है, एंटी बैक्टीरियल होती है और स्किन और अच्छी होती है हल्दी लगाने से, इसलिए शादी में हल्दी लगाई जाती है। हम आपको दर्शन कराते हैं बानुभाई मंदिर का, यहाँ पे वो टेम्पल है। बानुभाई कौन थे? अरे ये बानुभाई जो थी ना, तो इन्होंने महादेव जी ये खंडोबा राय उनको हस्बैंड के रूप में मिलना। अच्छा, ऐसी बहुत सारी व्रत करी थी, पूजा करी थी, उपवास करी थी, तब जाके वो मिले उनको, उनसे शादी उनकी। ओके ओके, तो ऐसा कहा जाता है वो दर्शन करने के बाद इनके भी दर्शन करने चाहिए तब ये पूरा होता है आपका। सो ये टेम्पल है वो काफी सुंदर है। सो लेट्स गो। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स आप जीन्स पहन के आ सकते हो, ड्रेस पहन के आ सकते हो। बट मम्मी आज साड़ी क्यों पहन के आए? जीन्स पहन कर आना था ना, कोई ना अचानक प्लान, अचानक प्लान। हम शादी से डायरेक्ट आए, सब एक साथ मिले थे, सोचा कर लेते हैं, सब मिले तो आप अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगा बताओ, अगर यहाँ तक देख रहे हो आप, अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब कर दो और नीचे भी देखो, मुझे नीचे भी देखना है। आपकी शादी होती है, देखो जैसे कि वो पैर दिख रहा है आपको, वैसा आपको लेके चढ़ना पड़ता है। चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण को लेके चढ़ता है शाहरुख, वैसे पूरा नहीं, एटलीस्ट 5 पायरी तो भी है ना, 5 स्टेप्स तो भी चढ़ना पड़ता है। तो अभी तू कब लेके आ रहा? अभी पहले काका की शादी, उसके बाद पहले तेरी है भाई, तेरी है। नहीं रे, तो आप इसकी शादी देखोगे आगे ब्लॉग में, इसे सब्सक्राइब कर दो। इसे मंजीरे कहते हैं, दिस इज मंजीरे। और कितने ब्यूटीफुल लग रहे शॉप्स। स्पेशलिटी ये बेत की लकड़ी कहते हैं इसे, यहाँ मिलती है। पापा इससे क्या होता है? अरे बेत की लकड़ी एक्चुअली क्या रहता मालूम है क्या? एक्चुअली घोड़े बीड़े के लिए अच्छी रहती। अच्छा, बट इससे ना इसके सबके जो भूत भी कैडल रहते ना, वो भी निकलता। कैसे? उससे कैसे निकलता? वो जो उसका सबका बटन है उससे मारते हैं क्या, जिसको भूत लगा होता है? वाह, इनक्रेडिबल, एक झटके में इनक्रेडिबल। आपने देखा है ऐसा कुछ? देखा है। वाह, देन इट मस्ट बी रियल। वाह। सो आज का सफर हमारा यहीं तक खत्म होता है। कैसे लगा आपको बताओ, डेलकोट जय मल्लार जो टेंपल है जेजुरी में, अच्छा लगा है? तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करने का दो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। करो सब्सक्राइब, जरूर कर दो।